कहीं भी अभी तक नहीं पहुंचे, इस मैसेज को शेयर करें, एक दूसरे के साथ रब्ता करें, हर सूरत के अंदर पार्लियामेंट हाउस में, क्योंकि आज मामला क्लियर करने हैं। मैं किसी सूरत में वापस नहीं जाऊंगा, मैं ये क्लियर कर रहा हूं। इस मैसेज को शेयर करें, तमाम साथी इस मैसेज को शेयर करें। तो 11 फरवरी के हवाले से एक तहरीरी एग्रीमेंट था, उस पर अमल दरामद के हवाले से हम इधर मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस के सामने, और हम नहीं जाएंगे। काबीना की मीटिंग चल रही है, वो बाकी वज़रा उन्होंने कहा वहां से होके आएंगे जब तक मामला क्लियर नहीं होते। आज यहाँ पे बैठूंगा, हर सूरत में अपने सर के बाल मुंडवा के जाऊंगा, ये ज़हन में रखिएगा। मगर जो एक जायज आईनी हमारा मुतालबा था, तहरीरी एग्रीमेंट, उस पर अमल दरामद के हवाले से किसी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। इस मैसेज को शेयर करें। स्टेज यहाँ पे मौजूद है पार्लियामेंट हाउस के सामने, कदम बढ़ाओ। साथी जो जा चुके हैं फौरी तौर के ऊपर यहाँ पे पहुंचे हर सूरत के अंदर, क्योंकि आप जब भी मुज़ाकरात में जाते हैं अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर होते हैं, किसी सूरत के ऊपर कम से कम मैं ये बता रहा हूँ कि क्लियर कट मैसेज है, मैं वापस नहीं जाऊँगा। अगर गया तो ये आखिरी शायद लाइव वीडियो हो जो इन बालों के साथ है। बेहिसी को ख़त्म करें, फौरी तौर के ऊपर इस मैसेज को शेयर करें, टेलीफोनिक रबते करें, और हर सूरत के अंदर पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुँचे। आप घरों में बैठ के बच्चों के सामने शर्मिंदा होते हुए उनके जायज़ आईनी मुतालबात दफातर में एक दूसरे को कोसते हुए, हुकूमत को मौजूदा पुराने हुक्मरानों को कोसने की बजाय, अगर आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है कि आपकी आवाज़ अगर वज़ीर आज़म तक पहुंचाई जाए तो आप फौरी तौर के ऊपर पार्लियामेंट हाउस के सामने पहुंचे। बहुत शुक्रिया। इस मैसेज को एक दफ़ा फिर शेयर करें तमाम साथियों के साथ।